तो गाइज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने अभी अभी एक इमेज सबमिशन करा है, और इमेज सबमिशन करने का फ़ायदा क्या होगा वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही मैंने इमेज सबमिशन करा है और इस वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 29 इंप्रेशंस भी आ चुके हैं, उसके साथ में एक लाइक भी आ चुका है, और जो लिंक लगा है वो भी क्लिकेबल है। और वेबसाइट की अगर बात करूँ, ये है वेबसाइट। इस वेबसाइट के बारे में आप सबको पता ही होगा, लेकिन बहुत कम लोग को ये चीज़ पता होगा कि इसमें बैकलिंक्स कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। उसके अलावा जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या तो गाइस आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस सबसे पहले गाइस इस वेबसाइट का DA PA है, और स्पैम स्कोर चेक करते हैं तो गाइस आप देख पा रहे होंगे इस वेबसाइट का DA 85 है और PA 45 है, लेकिन स्पैम स्कोर 11% है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली आप बैकलिंक बना सकते हो। और इस वेबसाइट की डोमेन रेटिंग अगर मैं बात करूं वो है 95, और इस वेबसाइट पर ट्रैफिक भी है, वो आप चेक कर लेना। तो गाइस इस वाले वेबसाइट पे बैकलिंक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस सबसे पहले गाइस यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो मेरा ऑलरेडी लॉग इन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइनअप का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको साइनअप पे आपको क्लिक करना है। और साइनअप आप कर सकते हो एप्पल के थ्रू, या फेसबुक के थ्रू, या गूगल के थ्रू, या मैन्युअली भी आप कर सकते हो। तो गाइस मैंने जो है गूगल के थ्रू ही साइन अप कर लिया है। तो गाइस यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन भी मैं गूगल के थ्रू ही लॉगिन करूँगा। जिस तरह से आप साइन अप करोगे उसी तरह से आपको लॉगिन करना होगा। तो गाइस यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे सबसे टॉप पे जो है आपका आइकॉन दिखेगा, आइकॉन पे क्लिक करते ही आपको सबसे पहले माई प्रोफाइल पे आपको जाना है। जैसे आप माई प्रोफाइल पे जाओगे वहाँ पे आपको पेंसिल का आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप पेंसिल का आइकॉन पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो भी चीज़ आप एडिट करना चाहते हो उसके साथ में जो है पेंसिल का आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप जो है वहाँ पे जैसे मान लो अबाउट अस हो गया, या सोशल मीडिया लिंक्स हो गए, या प्रोफाइल इमेज हो गया, बस पेंसिल का आइकॉन पे क्लिक करना है, वहाँ पे अपलोड कर देना जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पे सारे डिटेल्स अपडेट करने के बाद आपको सिंपली डन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इमेज आ गया, लिंक आ गया। अब इस लिंक को जो है इंस्पेक्ट करके आप मुझे बताना कि ये डू फॉलो या नो फॉलो है। इसके बाद गाइस इमेज को अपलोड करने के लिए आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो लैपटॉप के थ्रू, मीन्स PC के थ्रू। तो गाइस यहाँ पे जो मैं इमेज को अपलोड कर लेता हूँ। इमेज को अपलोड करने के बाद किस तरह हम लिंकिंग करेंगे, किस तरह से हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, और किस तरह आपके इस इमेज पे इंप्रेशंस आने स्टार्ट होंगे वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस भी पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इमेज को तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब इमेज के साथ आपको जो इमेज आप अपलोड करोगे उस इमेज का आपको टाइटल को भी कॉपी पेस्ट कर लेना, और थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो मुश्किल से 1 या 2 लाइन का। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है टाइटल मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस टाइटल को कॉपी करूँगा और टाइटल के साथ में थोड़ा सा स्पेस देके वहाँ पे मैं अपना लिंक भी लगा दूंगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप जो है सेम तरीके से सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है, कोई भी अदर स्टेप आपको फॉलो नहीं करना। उसके बाद गाइस यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन होगा, आप सिंपली आपको अदर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, चाहे आपको किसी भी टाइप का कैटेगरी क्यों ना हो। गाइस यहाँ पे जो लोकेशन का ऑप्शन है आप अपना लोकेशन भी सेलेक्ट कर लेना। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिल्ली है, जैसे मैं दिल्ली लिखूंगा तो दिल्ली के रिलेटेड जो है यहाँ पे लोकेशन आ जाएंगे। आप लोकेशन सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा पब्लिक या प्राइवेट, आपको पब्लिक में ही रखना है। उसके बाद इसको अपलोड पे क्लिक कर देना, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आप देख पा रहे होंगे आप सबके सामने मेरा जो इमेज है वो अपलोड हो चुका है। अब मैं इसी इमेज को जो है ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस इमेज तो मेरा अपलोड हो चुका है, और यहाँ पे मैं लिंक भी चेक करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे साइड में आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और लिंक जो है वो क्लिकेबल है, क्लिक हो रहा है, वेबसाइट भी ओपन हो रहा है। और आप देख सकते हो मुश्किल से 0 सेकंड्स के अंदर जो है 7 इंप्रेशंस भी आ चुके हैं। तो गाइस इस तरह से जो है इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। देन इमेज सबमिशन, और इमेज सबमिशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होगा कि जो भी गूगल इमेज जो सर्चेस होंगे वहाँ पे आपका इमेज शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।